सो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ स्नोफ्लेक्स। सो स्नोफ्लेक्स का आर्किटेक्चर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला नीचे स्टार्ट होता है डेटाबेस स्टोरेज से, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं आपका क्वेरी प्रोसेसिंग, और उसके बाद थर्ड होता है आपका क्लाउड सर्विसेज। सो सबसे पहले डेटाबेस स्टोरेज, जो कि सबसे निचला पार्ट होता है। यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्वेरीज टेबल्स को स्टोर करके रखा जाता है आपके डेटाबेसेस में। ये डेटाबेसेस आपके क्लाउड में सेव रहते हैं, और उसके बाद फिर इस डेटाबेस को यूज़ करके जैसा ही क्वेरीज प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से ये क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। सो सेकेंड स्टेज आपके आ जाते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपका वर्चुअल वेयर हाउस रहता है। ओके, सो सेकेंड जो है ये वर्चुअल वेयर हाउस आपका रहता है, और थर्ड आपका जो पार्ट है वो है क्लाउड सर्विसेज। आपके स्नोफ्लेक्स में बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर होता है, ऑप्टिमाइजर होता है, मेटा डेटा मैनेजर होता है, और सिक्योरिटी होता है, और ये सारी के सारे को ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल आप कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका जो है आर्किटेक्चर ऑफ स्नोफ्लेक्स। ओके।